अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने बायोलॉजी का आगे के ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमने लास्ट में बायोटेक्नोलॉजी तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज मैं स्टार्ट करूँगी इम्यूनोलॉजी से, मुझे स्टार्ट करना है। हमारी 3 ब्रांचेस रह गई हैं, आज मैं आपको वो स्टार्ट करवाऊँगी एंड देन फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे जो कि हमारा है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। ठीक है, आज हमने इम्यूनोलॉजी से करना है। हमने 2 ब्रांचेस कर ली थी, बाकी की सारी हमारी ब्रांचेस हो गई हैं, हमारे सिर्फ 3 ब्रांचेस रह गई हैं, वो आज हमने स्टार्ट करनी है। सबसे पहले जो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के पास जो ब्रांच है वो है इम्यूनोलॉजी। बाकी के सारी ब्रांचेस मैं आपको बता चुकी हूँ, सिर्फ 3 ब्रांचेस हमारी रहती है, वो स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। देखिए, ये जो हमारे पास ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है वो इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, ठीक है। अगर हम सिंपल वर्ड में अगर देखें, व्हाट इज इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम जो होता है उसको ब्रांच, जिस ब्रांच में हम बायोलॉजी के पढ़ते हैं उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम से क्या रिलेट है कि हमें इम्यून सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज इम्यून सिस्टम, कि हमारे पास हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वहाँ पर सारे, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्ट्रोजे सिस्टम है, ऐसी तरह हमारे पास इम्यून सिस्टम भी होता है। ये हमारे पास क्या कहता है, हमारे बॉडी के अंदर जो डिजीज़ वगैरह अगर जो हमारे पास कॉज होती है तो उनसे डिफेंड करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है डिजीज़ से हमारी बॉडी को, ठीक है। ये खुद ही अपने अंदर ऐसी एंटीबॉडीज हमारे पास क्रिएट होती हैं इम्यून सिस्टम की वजह से, जो हमारी बॉडी को किसी भी डिजीज़ से बचाती है। अब इट इज़ द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, ठीक है। अब माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ हो रही है, जो भी हमारे पास डिजीज़ क्रिएट हो रही है उसमें जो हम हमारी बॉडी, अगर हमारी जो बॉडी में जो हमारे पास जो प्रोटेक्ट करेगी, उसे प्रिवेंट करेगी, जो जिस सिस्टम के थ्रू ये सब होता है उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, और जो स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम्स को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। दिस इज़ द 3rd लास्ट ब्रांच जो सब बायोलॉजी में इंक्लूड है, जो क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, ठीक है। ये हमारे पास इम्यूनोलॉजी है, और हम नेक्स्ट ब्रांच पर आते हैं जो कि हमारे पास है एंटोमोलॉजी। ड्रग्स मतलब ड्रग्स जो मेडिसिन जो हमारे पास एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, नॉर्मल जो हमारे मेडिसिन होती है उनके बारे में।
जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया, हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस का है। अब इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है कि बायो का क्या रिलेशनशिप है दूसरे साइंसेस के साथ। अब हमारे पास साइंस की 3 ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांचेस जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है। अब इनके साथ इनका क्या रिलेशनशिप है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस के साथ, ठीक है। अब जो सबसे पहले इसमें हमारे पास ब्रांच है वो है कि बायोफिजिक्स, जो आपकी बुक में हमारे पास सबसे पहले जो ब्रांच दी है वो बायोफिजिक्स है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या है, बायो मीन्स अ लाइफ, फिजिक्स का मतलब होता है जो फिजिक्स जो है ड्राइव हुआ फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड से, जिस वो क्या है फ्यूसिस, ठीक है। और फ्यूसिस का मीनिंग्स क्या है, नेचुरल थिंग्स, और नेचुरल थिंग्स में अगर हम देखें तो उसमें आता है अर्थ और मून, ठीक है। अब हमारे पास बायोफिजिक्स में हमारे पास क्या है, अगर बुक में हम जो एग्जांपल हमारे पास डेफिनेशन जो हमारे पास बुक में लिखी हुई है वो आप बुक से देख लेना, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे ही समझाऊंगी। इसमें क्या है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना, डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना, ठीक है। अब फिजिक्स के वो प्रिंसिपल्स और लॉज जो हमारे पास लाइफ में हमारे पास बायोलॉजी के उसमें एप्लीकेबल होते हैं या फिर हमें यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसमें हम बायोफिजिक्स के ब्रांच में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एग्जाम्पल आपकी बुक में लिवर, लिम्स और लिवर की, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर 4 लिम्स होते हैं, हिंड लिम्स होते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं फॉर सपोर्ट ऑफ द बॉडी या फिर हम उससे हमारा काम वगैरह हर चीज़ हम इन दोनों के थ्रू ही करते हैं। अब इसी तरह हमारे पास फिजिक्स में जो हमारे पास मशीन्स में एक लिवर पार्ट होता है, ठीक है, जो हम यूज़ किया जाता है फॉर बैलेंस के लिए। तो इन दोनों का फंक्शन हमारे पास सेम है, ये मतलब ये जो हमारे पास है इससे रिलेट है, इन दोनों का फंक्शन सेम है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास बायो और फिजिक्स का रिलेशनशिप है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इसकी दी है, ठीक है। लिम्स जो 4 लिम्स अगर हम पाँव वगैरह हैं हम उसको यूज़ करते हैं, अगर हम खड़े हुए हैं तो हमारे पास जो हमें सपोर्ट के लिए हमें खड़ा कर रहा है वो हमारे 4 लिम्स और हिंड लिम्स होते हैं, उस वो हमारे पास जो पाँव है हमें सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल ये है। और लिवर जो हमारे पास है ये भी हमारे पास आगे यूज़ होता है बैलेंस के लिए, ठीक है, बैलेंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब जो बायो और फिजिक्स, अब वो हमारे पास लॉज फिजिक्स के जो एप्लीकेबल हों लाइफ को इन्हेंस करने के लिए या फिर उसको रिलेशनशिप हो दोनों का, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं बायोफिजिक्स की ब्रांच में पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास फ्यूसिस का मतलब होता है नेचुरल थिंग्स, जिसमें अर्थ आ गया, मून आ गया, ऐसी चीज़ें, ठीक है। अब इनके स्टडी को मतलब इसका रिलेशनशिप फिजिक्स के साथ क्या है, बायो का रिलेशनशिप क्या है, इसको हम बायोफिजिक्स में पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास फर्स्ट ब्रांच है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस के साथ, ठीक है। अब देखो इसमें एग्जांपल्स मैंने आपको लिम्स और लिवर की दी हुई, जो कि हमारी बुक में भी हाँ बस यही एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर इन फिजिक्स, लिवर की जो हमारे पास जो फिजिक्स में है उसके जो वर्किंग मतलब जो काम है वही सेम है जो कि हमारी बॉडी में लिम्स का होता है। तो इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट किया जा रहा है, सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिक्स एंड द बायोलॉजी, ठीक है। और हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एंड लिम्स ऑफ द एनिमल्स इन बायोलॉजी, लिम्स ऑफ द एनिमल्स इन बायोलॉजी एंड द लिवर इन फिजिक्स, दोनों का जो हमारे पास काम है वो सेम है, उन दोनों को रिलेट किया गया है। देखो जो इसमें जो और ये ब्रांच जिसमें हम ऐसे रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं फिजिक्स एंड बायोलॉजी के अंदर, तो वो बायोफिजिक्स कहलाती है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट ब्रांच थी, एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है वो बायो केमिस्ट्री है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो बायोकेमिस्ट्री है। देखो बायो का यहाँ पे हमारे पास क्या है, मीनिंग्स लाइफ, आपको पता है बायो की मीनिंग्स लाइफ है, डेफिनेशन में जो मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया था तभी मैंने स्टडी ऑफ लाइफ के बारे में आपको बताया था बायोलॉजी की डेफिनेशन में। अब इसमें क्या है, बायो मीन्स लाइफ है और केमिस्ट्री का है स्टडी ऑफ केमिकल्स, ठीक है। अब इसका रिलेशनशिप कैसे है बायो के साथ हमने वो पढ़ना है, और वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम केमिकल्स का रिलेशनशिप बायो के साथ, लाइफ के साथ, लिविंग ऑर्गेनिक्स के सब के साथ क्या है, इसको हम पढ़ते हैं बायो केमिस्ट्री के अंदर, जो कि हमारे पास सेकंड ब्रांच है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस में। इसमें देखो एग्जांपल हमारे पास बुक में, अब इसकी एग्जांपल हम डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं क्या लिखी हुई है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड्स एंड द प्रोसेसेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं लेकिन ये केमिकल्स के थ्रू होते हैं, स्पेशल केमिकल्स के थ्रू होते हैं। तो स्टडी ऑफ केमिकल्स की केमिस्ट्री से रिलेट हो गया ना,
तो अब इसका हो तो रहा है, हो तो ये प्रोसेस रहे हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो हो गया बायोलॉजी से रिलेट, लेकिन जो कॉज ऑफ द प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस किस वजह से हो रहे हैं, वो केमिकल्स के थ्रू होते हैं, केमिकल्स की हेल्प से होते हैं। तो ये रिलेशनशिप है केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। हमारी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है, फोटोसिंथेसिस की भी दी हुई है और रिस्पायरेशन की भी दी हुई है। तो हम फोटोसिंथेसिस के एग्जाम्पल को ले लेते हैं। इसमें देखो, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो हमारे पास प्लांट्स के अंदर होता है। क्यों होता है ये? इसलिए होता है, इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं, ये लॉन्ग टॉपिक है। सिर्फ आपको ये समझना है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो प्लांट्स में होता है। एक प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब प्लांट के अंदर ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है? स्पेशल केमिकल्स के थ्रू होता है। तो ये हमारे पास रिलेट हैगा केमिस्ट्री के साथ। मतलब फोटोसिंथेसिस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की होता है, तो जो रिलेट है बायो के साथ, ठीक है। लेकिन ये किसके थ्रू हो रहा है? स्पेशल केमिकल्स के थ्रू होता है। तो ये स्टडी ऑफ द केमिकल्स, केमिस्ट्री से रिलेट कर रहा है। तो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द केमिस्ट्री एंड द बायोलॉजी, ठीक है। और इसको ब्रांच को, जिसमें हम इस रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, हम बताते हैं कि बायो के क्या रिलेट है केमिस्ट्री के साथ, तो उसको हम बायो केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, फोटोसिंथेसिस की एग्जाम्पल है जो कि हमारी बुक में भी लिखी हुई है, और रेस्पायरेशन की भी इसमें एग्जाम्पल दी हुई है जो कि हमारी बुक में लिखी है। रेस्पायरेशन हमारे पास हमारे अंदर होता है, ठीक है। एनिमल्स, हमारे पास ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, लेकिन केमिकल्स के थ्रू हो रहा है। फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस वही है जो एक प्लांट के अंदर होता है। प्लांट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो अब ये प्लांट के अंदर होता है, लेकिन ये होता किस वजह से? केमिकल्स के थ्रू होता है। तो इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है ना। अगर ये नहीं होगा, केमिकल्स उसको प्रॉपर से नहीं होंगे, तो ये प्रोसेस नहीं होगा। तो ये एक प्रॉपर बायो का हर ब्रांच ऑफ साइंस के साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप है, जो कि हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा बायोफिजिक्स, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है, एंड देन अब हम पढ़ते हैं बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स को हम बायोमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है बायोमैथमेटिक्स, उसको हम बायोमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। बायो का हमने पढ़ा, मींस लाइफ है, ये आपको चीज़ याद ही हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बायो का हमने पढ़ा लाइफ, ठीक है। अब बायो का रिलेशनशिप मैथमेटिक्स के साथ कैसे हो सकता है? कैसे? अगर हमारे पास कैलकुलेशन जो डेटा वगैरह, उसका लिंक एक बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से, एक लाइफ से, मतलब बायोलॉजी से कैसे रिलेशनशिप है? अब इसके एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि हमारे पास रिपोर्ट्स वगैरह हमारी आती हैं, तो उसमें नंबर ऑफ़ RBCs हमारे पास लिखे होते हैं, हीमोग्लोबिन, WBCs, ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स जो हमारे पास होते हैं। अब रिपोर्ट आती है, उसमें एक अमाउंट लिखी हुई होती है, हर चीज़ की एक स्पेसिफिक आपको अमाउंट दी हुई होती है। तो जो कैलकुलेशन है ना, वो हमारे पास मैथमेटिक्स के थ्रू की जाती है, बायोमेट्रिक के थ्रू मैथमेटिक्स के थ्रू की जाती है। तो इसका ये रिलेशनशिप है बायोलॉजी के साथ, ठीक है। जो रिपोर्ट्स में हमारे पास अमाउंट और कैलकुलेशंस ब्लड सेल्स की हो गई, हीमोग्लोबिन की होती हो गई, वो सारी जो हमारे पास कैलकुलेशंस जो हमारे पास दी हुई होती हैं, वो अमाउंट जो हमारे पास है वो मैथमेटिक्स, जाहिर है कैलकुलेशंस के थ्रू हमें बताया जाता है कि इतना अमाउंट है आपकी बॉडी के अंदर शुगर का, इतना हीमोग्लोबिन का, इतना रेड ब्लड सेल्स का, वाइट ब्लड सेल्स का। तो इसका ये अब जो हो रही है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ये सारी चीज़ें तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करती है। एक लिविंग बॉडी से हम ब्लड लेते हैं, उसका टेस्ट किया जाता है, फिर आपको उसकी रिपोर्ट आती है, फिर आपको बताया जाता है कि आपकी प्रॉब्लम ये है, इसकी कमी है आपकी बॉडी के अंदर, शुगर ज़्यादा हो गया तो आपको ये वाली डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, मतलब ये सारी चीज़ें। तो अब इसका रिलेशनशिप है ना, एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप है मैथमेटिक्स का बायो के साथ। और जिस ब्रांच में हम इसको पढ़ते हैं वो हमारे पास बायो मैथमेटिक्स के, उसको हम बायोमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं जो हमारी बुक में लिखी हुई है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स, फॉर एग्जांपल टू एनालाइज डेटा गैदर आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ द मैथमेटिक्स, ठीक है। जो डेटा वगैरह हम गैदर, मतलब फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए भी, बायोलॉजिकल जो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, उसके रिलेट अगर कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो कैलकुलेशन दी जाती है एक्सपेरिमेंट के बाद, एक कैलकुलेशन भी हमें स्पेसिफिक दी जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन जो है वो किस चीज़ के बारे में? बायोलॉजी के बारे में, उसके मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट होती है। तो इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को, जिसमें हम
एक कैलकुलेशन से एक स्पेसिफिक डेटा कलेक्ट करने के बाद उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सपेरिमेंट को हम बताते हैं, तो वो हमारे पास बायो मैथमेटिक्स के और इसके एग्जांपल जो दूसरी मैंने आपको दी वो रिपोर्ट जो हमारे पास होती है हमारी जो हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं उसमें आपको स्पेसिफिक अमाउंट दी होती है, दूसरी एग्जाम्पल इसकी ये है ठीक है। और जो हमारे पास अभी नेक्स्ट है वो है कि बायो जियोग्राफी। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कौन सी है, वो बायो जियोग्राफी की ब्रांच है। अब इसमें हमें क्या है जियो जो ये हमारे पास लास्ट ब्रांच है जो हमारे पास टॉपिक है रिलेशनशिप बायोलॉजी टू अदर साइंसेस के साथ, इसकी ये लास्ट ब्रांच है ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है जियो मीन्स होता है अर्थ, ग्राफी मतलब ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ग्राफिक्स से हमारे पास ये वर्ड ड्राइव हुआ है ठीक है। बायो का मतलब है लाइफ ठीक है और जियो का मतलब है अर्थ, हमारे पास ज़मीन जो है भाई अर्थ ठीक है। अब स्टडी ऑफ द अर्थ, अब पूरी अगर हम इस ब्रांच की डेफिनेशन प्रॉपर डिफाइन करें तो हमारे पास हो गया है द स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड बायोग्राफी ठीक है। इस अर्थ के बारे में पढ़ना उसके हमारे पास जैसे कि हमारे पास अब अर्थ है हमारे पास यहाँ पे कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, अब इसका अब आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास बायो का इससे क्या रिलेशनशिप है ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दी अब हम बुक की अगर हम डेफिनेशन पहले पढ़ लें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट डील्स विद द deals with the occurrence and distribution of different species of living organism in different geographical regions of the world. It applies the knowledge of the characteristics of a particular geographical region to determine the characteristics of living organisms found there. ठीक है अब बायो जियोग्राफी में हमारे पास क्या है मतलब अगर अब इसकी जो बुक में हमारे पास एग्जांपल दी गई फॉर एग्जांपल ये दी गई अर्थ है, अर्थ में हमारे पास अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, अगर एक रीजन है वहाँ पे कुछ एनिमल्स रहते हैं दूसरे में डिफरेंट स्पीशीज रहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है पूरा मतलब अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब अलग अलग जगहों पर रहते हैं। अब होल की जो स्टडी होगी ना तो उसको हम बायो जियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो रिलेट उनका रिलेशनशिप बायोलॉजी के साथ है ठीक है, और जो ग्राफी है जियोग्राफी जो अर्थ का है अर्थ में जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसकी स्टडी को हम बायो जियोग्राफी कहते हैं। उनको पढ़ना कि इस रीजन में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं दूसरे रीजन में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और उनका काम क्या है, वो कैसे खाते हैं मतलब खाना पीना और कैसे उनके बारे में पढ़ने को हम बायो जियोग्राफी में पढ़ते, जो कि ग्राफी मतलब है ना ड्राइव फ्रॉम अ ग्राफिक्स और जियो मतलब है अर्थ, बायो का मीन्स है लाइफ, और अगर इस पूरी की डेफिनेशन हम करें तो स्टडी ऑफ द अर्थ तो या फिर और अगर इसको हम डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनिमल्स ठीक है, अलग अलग रीजन्स में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं ठीक है, तो आप उस होल अर्थ को स्टडी करोगे ना तो उसको हम बायो जियोग्राफी में पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था रिलेशनशिप ऑफ द बायोलॉजी टू अदर साइंसेज के साथ ये कंप्लीट हो गया है। मैं एक मतलब इसको फिर से रिवाइज कर देती हूँ, अगर इस टॉपिक में या जो फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको थर्ड थ्री ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ाए हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, कोई चीज़ अगर आपको समझना है तो मैं आपको रिपीट कर दूँगी ठीक है। अब वापस मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, बायो फिज़िक्स हमने क्या पढ़ा, लाइफ फ्यूज इसका वर्ड का मैंने फ्यूजेस होता है जो हमारे पास जिसमें हम फिज़िक्स के वो लॉस उन लॉस के बारे में पढ़ते हैं जो एप्लीकेबल होंगे बायोलॉजी के लाइफ को इन्हेंस करने में ठीक है। इसमें हमने पढ़ा ये जो रिलेशनशिप होता है फिज़िक्स का बायोलॉजी के साथ उसको स्टडी को हम बायो फिज़िक्स कहते हैं। एग्जाम्पल हमने इसमें लिम्स और लिवर की ली जो कि हम एक ही फंक्शन के लिए दोनों का काम सेम होता है, दिस बोथ आर यूज फॉर द सेम वर्ड ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है ये फिज़िक्स के हमारे पास यूज होता है और लिम्स हमारे पास एनिमल्स के अंदर होती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं फोर लिम्स होते हैं हेड लिम्स होते हैं ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ी वो बायो केमिस्ट्री थी जिसमें लाइफ बायो का मतलब हमने लाइफ का पढ़ा, केमिस्ट्री का मतलब स्टडी ऑफ द केमिकल्स से हमने रिलेट किया ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको उसमें फोटोसिंथेसिस की दे दी और रिस्पायरेशन के भी इसके एग्जाम्पल है ठीक है, जो हमारे पास प्रोसेस लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होते हैं लेकिन वो किस वजह से होते हैं स्पेशल केमिकल्स के थ्रू होते हैं ठीक है, तो इसका रिलेशनशिप है बायो का केमिस्ट्री के साथ। जो नेक्स्ट है वो बायो मैथमेटिक्स है, अब बायो मैथमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे पास डेटा कलेक्ट किया जाता है रिपोर्ट स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हमारे ह्यूमन बींग्स की हमारे पास हम रिपोर्ट लेते हैं तो हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ठीक है, और हमारे चीज़ों का डेटा कलेक्ट किया जाता है मतलब उसको वो हमें बताता है और जो जो डेटा जो हमारे पास कैलकुलेशन होती है वो मैथमेटिक्स के थ्रू होती है ठीक है, और इस ब्रांच को हम बायो मैथमेटिक्स कहते हैं। और जो लास्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो बायो जियोग्राफी की है,
बायो का मतलब इसमें मैंने लाइफ बताया, अर्थ इसको हम पूरा बताया तो स्टडी ऑफ द अर्थ सिंपल, और इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में हमारे पास एनिमल्स रहते हैं उसके बारे में पढ़ना, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना, कौन सा कहाँ रहता है क्या करता है, तो पूरी होल के अर्थ की स्टडी को हम बायो जियोग्राफी में पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास लास्ट ब्रांच है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज के साथ। ये हमारे पास आपकी बुक का सेकेंड टॉपिक था जो कि हम आज कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फोर ब्रांचेस कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखें आपकी बुक में हमारे पास दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको आपने खुद ही पढ़ने हैं। वो कौन से दो टॉपिक्स हैं आप उसको देख लें। जो हमारे पास वन जो हमारे पास एक टॉपिक है कुरान एंड बायोलॉजी का, देखिए ये वाले टॉपिक, और जो नेक्स्ट है वो मुस्लिम साइंटिस्ट का टॉपिक है। कुरान एंड बायोलॉजी का जो टॉपिक है ना बेटा, इसमें देखो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ आपके पास कुरानिक वर्सेस लिखे हैं उसका तर्जुमा है, तो ये चीज़ें आपने सिर्फ एक मरतबा रीड करनी है, ये मैं आपको इसमें कुछ समझाने का नहीं है, ठीक है। आप खुद इसे रीड आउट कर लेना, जो भी इसमें है ईजी है, मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ एक मतलब आप पढ़ लोगे, कोई डिफ़िकल्टी होगी तो आप मुझसे पूछ लेना है, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कुरान एंड बायोलॉजी का है, इसमें जो कुरानिक वर्सेस लिखे हैं उसकी ट्रांसलेशन दी गई है, उसके बारे में डिटेलिंग बताई गई है, ठीक है। तो आप इसे एक मतलब आप पढ़ लेना। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मुस्लिम साइंटिस्ट का है, इसे भी आपने खुद ही पढ़ना है। इसमें मैं कुछ आपको समझा नहीं सकती, इसमें समझाने की कोई चीज़ है नहीं। इसमें हमारे पास क्या, सबसे पहले जाबिर बिन हयान का दिया हुआ है, अब्दुल मलिक असमाई का दिया हुआ है, अबू अली सीना का हमारे पास दिया हुआ है, थ्री मेन साइंटिस्ट का हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि ये कब पैदा हुए, इन्होंने क्या क्या हमारे पास बुक्स कौन कौन सी लिखी हैं, क्या क्या इन्होंने बड़े चीज़ें हमें हिस्ट्री में जो हमारे पास चीज़ें वो हमें बताई हैं। तो ये जो मुस्लिम साइंटिस्ट का टॉपिक है और एक कुरान एंड बायोलॉजी का टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक्स आपने खुद पढ़ने हैं, इसको रीड आउट करना है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं इसमें कुछ समझाने का नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें आपने खुद पढ़नी है। मुस्लिम साइंटिस्ट में देखो एक मरतबा मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, इसमें जाबिर बिन हयान का सबसे पहले दिया हुआ है, ही वॉज बोर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक, ही इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री एंड ऑल्सो रोड नंबर ऑफ द बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, हिज फेमस बुक आर अल नबातान अल हैवान। आपको बस ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे पास, एक मिनट, कुरान एंड बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो आप खुद रीड करोगे, ये वाला टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अब देखो मुस्लिम साइंटिस्ट में आपने कुछ समझने की चीज़ है नहीं, इसमें सिर्फ आपको ये चीज़ें पता होने चाहिए कि किस साइंटिस्ट ने कौन सी बुक लिखी थी, क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए आ सकता है। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि किस साइंटिस्ट ने कौन सी बुक लिखी थी, आप जाबिर बिन हयान ने कौन सी बुक, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले जो हमारे पास बुक में दिया हुआ है वो जाबिर बिन हयान का दिया हुआ है, और इसकी जो इनकी जो फेमस बुक है नबातात है, और सेकंड जो है वो अल हैवान। ठीक है, अब आप इसमें क्या बताओगे इसको, मतलब मुस्लिम साइंटिस्ट में आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी बुक लिखी है, जाबिर बिन हयान ने हमारे पास कौन सी बुक लिखी है, अल नबातात और अल हैवान, ठीक है। और ये हमारे पास एक ये पैदा हमारे पास ईरान में हुए थे, ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ़ द बुक्स, एंड उन्होंने केमिस्ट्री में जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके बारे में हमें बताया था, और बहुत सारी बुक्स लिखी थी, किसके किन के ऊपर बुक्स लिखी थी, उन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर बुक्स लिखी थी, ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, ठीक है।
और उनकी जो फेमस दो बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं वो हैं वो हावस अल नबातात और अल हैवान। ये आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, तो इसको आप नॉलेज के लिए, ये चीज़ आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट 3 ही दिए हुए हमारे पास, उसमें से आपको पता होना चाहिए किस साइंटिस्ट ने कौन सी बुक लिखी है, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो हैगा अब्दुल मलिक असमाई। ये हमारे पास कंसिडर किए जाते हैं फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट। फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने एनिमल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब इनकी जो हमारे पास फेमस बुक्स जो इन्होंने लिखी हैं वो कौन सी, अल अबिल, अल 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 खेल और अल वहूश। अबिल का मतलब पता है आपको, पता होना चाहिए कैमल है। अल खेल जो है उसका मतलब है हॉर्स, और अल वहूश का है वो एनिमल है। और खलकुल इंसान भी इन्होंने बुक्स लिखी हैं, ठीक है। ये आप बुक में से ही देख लेना जो इन्होंने इंपॉर्टेंट बुक्स जो लिखी हैं, फेमस बुक्स जो इन्होंने लिखे, बस आपको ये पता होना चाहिए। अब्दुल मलिक असमाई हमारे फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन के साथ उन्होंने एनिमल्स के बारे में हमें बताया था, ठीक है। और उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं, नेम्स उनके आप बुक में देख लीजिएगा जो है एमसीक्यूज़ के लिए। जो लास्ट हमारे पास है वो है बू अली सीना। बू अली सीना को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, ठीक है। इनको ऑनर दिया गया था किस चीज़ का, एज द फादर ऑफ मेडिसिन। बहुत सारी उन्होंने मतलब मेडिसिन के बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें उन्होंने हमें बताई थी, दवाइयाँ, ड्रग्स वगैरह, इन सब के बारे में, ठीक है। और इन्होंने जो हमारे पास इम्पोर्टेंट बुक्स जो लिखी थी इन्होंने वो लिखी है अल कानून फिल तब, ठीक है। इन इस नोन एज द कैनन ऑफ द मेडिसिन इन वेस्ट, ठीक है। जो हमारे पास बू अली सीना थे उन्होंने उनको हमें उनको कौन सा ऑनर दिया गया था, उन्हें दिया था फादर ऑफ द मेडिसिन, ठीक है। उन्होंने मेडिसिन के बारे में बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन जो मेडिसिन से रिलेटेड दवाइयाँ जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं जो हम ह्यूमन बींग्स हर लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेन रोल है मेडिसिन का, ठीक है। इसके बारे में उन्होंने हमें बू अली सीना ने बताया था, ठीक है। ये कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको हर साइंटिस्ट से रिलेटेड याद होने चाहिए, अगर आपसे एमसीक्यू साहब से पूछा जाए तो आप उसको बता सको। बू अली सीना को हमने ऑनर दिया था फाउंडर ऑफ मेडिसिन का। इसी तरह हमने अब्दुल मलिक असमाई का पढ़ा कि उन्हें वो फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट है जिन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया था। जाबिर बिन हयान जो उन्होंने दो फेमस बुक्स लिखी थी अल्लाबात अल हैवान, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेकेंड टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है मुस्लिम साइंटिस्ट का, ठीक है। आज हमने दो टॉपिक्स तीन टॉपिक्स कवर कर लिए आज के हमारी क्लास में, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस वाला मुस्लिम साइंटिस्ट हमारा टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया। और जो कुरान एंड बायोलॉजी का टॉपिक है वो आपने खुद पढ़ना है, उसमें कुछ भी चीज़ समझाने की नहीं है। और यहाँ पर हमारा लेक्चर कम्प्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए आपके लिए अल्लाह हाफिज़।